क्लैश फेस्टिवल का तीसरा चैलेंज इन्फिनिट गोब्लिन चैलेंज ओपन हो चुका है और हम 3-स्टार अटैक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये चैलेंज काफ़ी पुरानी तर्ज का है जिसमें गोब्लिन बर्बेरियन और आर्चर्स हुआ करते थे, तो इस चैलेंज को हम 3-स्टार अटैक के साथ कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी, हम स्टार्ट लेंगे इस चैलेंज को बड़ी एहतियात के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा गोब्लिन दिए हुए हैं, आर्चर्स हैं और बर्बेरियंस हैं। तो लेफ्ट साइड से डाउन साइड से स्टार्ट करेंगे, 3-3 आर्चर्स हम जो है वो डिप्लाई कर देंगे, 3-3 आर्चर जिस तरह मैं बताता जाता हूँ करते जाए, इंशाल्लाह 3-स्टार अटैक होगा। राइट लेफ्ट टॉप साइड पर भी हम 3-3 आर्चर डिप्लाई करेंगे, उसके बाद पूरी बेस के इर्द गिर्द हम रिसोर्सेज के साथ एक एक आर्चर डिप्लाई कर देंगे ताकि उसको डैमेज मिल सके और काफ़ी हद तक उसकी जो है वो डैमेज हो जाए। तो अभी हम जो है वो डाउन साइड पे 25 बर्बेरियन और 25 गोब्लिन्स के साथ अटैक करेंगे क्योंकि यहाँ पर विजिट भी हेडन टेस्ला भी सामने आ जाएंगे, तो हेडन टेस्ला के लिए बर्बेरियन हो जाएंगे और रिसोर्सेज के लिए गोब्लिन हो जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी हम इस तरह 25-30 बर्बेरियन छोड़ देंगे और बाकी जो है वो गोब्लिन छोड़ देंगे ताकि टेस्ला को भी डैमेज मिल सके और उन्हें ख़त्म किया जा सके। स्ट्रेटजी थोड़ी बहुत आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जिस तरह रिसोर्स। अब यहाँ पर आपने विजिट छोड़ने के गोब्लिन छोड़ने के डायरेक्ट बाद जो है वो जंप स्पेल डालनी होगी ताकि ये अंदर को मूव करें और इनविजिबल स्पेल इस तरह फेंकनी होगी कि टाउन हॉल विजिबल रहे जबकि ये गोब्लिन इनविजिबल हो जाए। अब डाउन साइड तो सारी अच्छी खासी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब टॉप साइड पे हम 100 गोब्लिन को छोड़ के बाकी सारे डिप्लाई कर देंगे ताकि जो ये रिसोर्सेज जितने भी हैं ये तबाह हो सकें। अब टेस्ला रह जाएंगे, टेस्ला के लिए हम आर्चर और बर्बेरियंस को डिप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, और ये इस तरह करेंगे कि जिस हिसाब से टेस्ले जो हैं वो तबाह होते जाएंगे डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, तो जो रहते जाएंगे तो उस साइड पर हम बाकी डिप्लाई कर देंगे ताकि वो भी आसानी के साथ तबाह हो जाए। उसके बाद ये दो ईगल आई रह जाएंगे, बस इनको ये मिल के कर देंगे। अभी काफ़ी अभी जो 70-75 गोब्लिन भी रहते हैं ये सारे डिप्लाई कर देंगे तो ये 3-स्टार हो जाएगा। स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत चेंज आप इस तरह कर सकते हैं कि जिधर जिधर से कुछ रिसोर्सेज बचें या कुछ डिफेंस बच जाए तो उस साइड पर डिप्लाई करें, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से हमारा वो फ्लो जाते हैं उसी तरह बिल्कुल आप कर जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।